हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब लोग भी यहाँ पे एकदम से स्वस्थ हैं। तो गाइस, हमारा सारा काम फिनिश हो चुका है तो और अब मम्मी को कुछ थोड़ी शॉपिंग करनी है। मम्मी के मायके में एक प्रोग्राम है तो मम्मी को वहाँ के लिए शॉपिंग करनी है, तो मैं और मम्मी जाएंगे अब मार्केट। तो गाइस, आप लोग भी बने रहिएगा हमारे साथ। और कल का दशहरा है तो दशहरे के लिए भी हमको कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए हम सारी शॉपिंग फिनिश करके आते हैं। तो चलते हैं गाइस। कहाँ लग रही है सेल? आओ मम्मा, जहाँ भी जाते हैं सेकंड फ्लोर पे तो जाना ही पड़ता है। मम्मा थक जाती हैं। हाँ, क्योंकि मम्मी के पैर में दर्द हो जाता है। साइज तो ठीक है। नहीं नहीं, इससे छोटे ना। यहाँ पे हम ले रहे हैं छोटी बेबी के कपड़े, मम्मी के भतीजे के बेटी हुई है तो वहाँ मम्मी जाएंगी नामकरण में, तो वहाँ के लिए मम्मी कपड़े ले रही हैं। तो मम्मी जा रही है मामा जी के यहाँ पे। गर्ल्स के कपड़े काफी अच्छे अच्छे आते हैं। अच्छा, फ्रॉक वाले में लाइट भी है, इसमें डार्क कलर भी, ये वाला है ना। अच्छा, पिंक सही है। तो फिर ग्रीन से पिंक वाला अच्छा है गर्ल्स के हिसाब से। नहीं बताऊँ, वैसे भी वो है ना, अब गरम का ही सीजन आ रहेगा। गरम बहुत कम लेंगे, हाँ अब गरम जो है कम लाएंगे, क्या तुमको पता है मुझे, इसीलिए क्यों देखा चीज भी ले तो क्या फायदा। इसमें से वो तो पिंक हो गया। और ये येलो वाला खोलना भाई एक बार। इसी के साइड, अच्छा पूरा है, पूरे नहीं वाले, इसके पास में रखो इसे। हाँ, ये ऑरेंज वाले का है, रेड वाला। हाँ रेड भी अच्छा लगेगा क्योंकि ये तो सब उसमें चल। हाँ ये भी अच्छा, ये यही कर, रेड वाला कर दो भैया, रेड पिंक। तो यहाँ पे हमने कपड़े पसंद कर लिए हैं, काफी अच्छे कपड़े हैं यहाँ पे, वैरायटी भी अच्छी है। तो हमारी फाइनल हो चुके हैं, चले मम्मा। कौन सा ब्लैक वाला? तो गाइस, हमारी शॉपिंग हो चुकी है डन और हम चलते हैं घर जल्दी से, रात भी हो गई है। तो गाइस, अब आ चुके हैं घर पे, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चों, क्या कर रहे हो आर्यन? वाओ, फिर बनाने लग गए ड्राइंग है भाई। बेटा हल्के हाथ से चलाया करो। अच्छा, टीवी भी चल रहा है यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो जी? ब्लॉग एडिटिंग यहाँ पे चल रहा है इनका टीवी। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे, तो आज है दशहरा। आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हो रहा है पूजा का टाइम, तो अब हम पूजा भी करेंगे और कर रहे हैं पूजा की तैयारी।
और गाइज हमारे यहाँ पे बनता है लौकी का रायता, चाहे कुछ बने ना बने पर लौकी का रायता जरूर बनता है, उससे ही हमारी दशहरी की पूजा होती है। और प्रियांशी और आर्यन अभी आए हैं, वो कन्या भोज में गए हुए थे दोनों, तो वो दोनों भी आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि अभी सब लोग क्या कर रहे हैं। तो गाइस करते हैं ब्लॉग को जल्दी से आगे। तो यहाँ पे ये दोनों लेटे हुए हैं और देख रहे हैं अभी टीवी, टीवी चल रहा है इनका सबका, बस यही देखते रहते हैं। और अब हम चलते हैं किचन में, अभी पोछा भी लग रहा है हमारा। और यहाँ पे ये है हमारी झांझी और यहाँ पे हो रही है हमारी ये करछली गरम, और बनाएंगे अब हम यहाँ पे रायता। और ये हमने लौकी उबाल के रख ली थी, तो जल्दी से रायता बनाते हैं फिर पूजा करते हैं। सब्जी भी बन गई है हमारी और आटा भी लगा के रख लिया है, क्योंकि सब्जी और रोटी और रायता लौकी का, इनसे हमारी दशहरी की पूजा होने वाली है। तो इसको जल्दी से तेज़ सा गर्म कर लेते हैं, फिर इसमें छौंक लगाएंगे, छौंक रायते में, फिर बनाएंगे टेस्टी सा रायता और जल्दी से पूजा करते हैं, क्योंकि दशहरा का भी टाइम चल रहा है, क्योंकि आज भी नवमी की है कुछ लोगों ने, तो बोल रहे थे कि 10 बजे से स्टार्ट है दशहरा। तो जल्दी से बनाते हैं अपना रायता। ओ चौंक लग गया रायते में। हाँ जी, वाह, ये लो पुराने तरीके से करछी में लगला बेटा, वहां पे रख दो जहां पे जहां चाहिए। तो गाइस ये दशहरा पूजने की तैयारी चल रही है, यहां पे अब दशहरा पूजा जाएगा। रायता भी बन चुका है हमारा, ये हमारी कुल्लू है जो कि अभी भरी जाएंगी, ये भरी जाएंगी सारी, 10 होती हैं क्योंकि दशहरा है, तो 10 कुल्लू भरी जाएंगी और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, मतलब घरों में बांटी जाती हैं। तो गाइस यहाँ पे अब हमारी कुल्लू भरी जा रही हैं, इनमें भरे जा रहे हैं मुरमुरे और ऊपर से रख रहे हैं टॉफ़ी और जलेबी रखी जाएंगी। 10 कुल्लू हैं, उनमें एक में रखे जाएंगे चावल और 9 कुल्लू में मुरमुरे। और यहाँ पे ले लिया है रायता, और रायते से लौकी के रायते से होगी पूजा। ये इस पे भी रखूं? चावल वाली पे रख दो, फसल गिर गई। तो गाइस यहाँ पे ये जो हमारे जौ बोए हुए थे, इनमें से ये बाल यहाँ पे रखी जाएंगी कुल्हों के ऊपर। सबके यहाँ अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, पर हमारे यहाँ पे ऐसे ही पूजा होती है। हमारे यहाँ पे तो ये मुरमुरे रखे जाते हैं, कोई दाल चावल जो भी है, सबके यहाँ अपना अलग अलग होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूजा होती है। और यहाँ पे आर्यन भी आ चुके हैं, वो भी पापा के साथ में पूजा करवा रहे हैं। आज बाबा तो यहाँ पे है नहीं, बाबा गांव में है, तो इसलिए ये दोनों ही पूजा कर रहे हैं। सही से बैठो बेटा, पलौती लगा के बैठो। और अब यहाँ पे हल्दी टीका लगाया जा रहा है, और सबके जो ये बाल हैं सबके कानों के ऊपर रखी जाएंगी, यहाँ पे आर्यन के रखी जा रही है। प्यासी लगवा लो आप भी, आर्यन के एक पे लगी है अभी। प्यासी सही से बैठो बेटा नीचे, ये यहाँ पे आर्यन के भी लग चुकी है। क्या लगाना है? यही अब यहाँ पे बनना है स्वास्तविक। यहाँ पे सब पे रायता जो बना है उसके छींटे लगाए जा रहे हैं। रायते से ही पूछता है। ये
और तो गाइज यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है संपन्न। और ये सारी कुल्लू है प्रियांशी, सब आंटियों घर पे देके आएंगी। ये ड्यूटी रहती है प्रियांशी की। और अब हम जल्दी से रोटी बना के झांझी मैया को भी जिमाते हैं। तो गाइज अब प्रियांशी जा रही हैं सबको ये बांटने। ठीक है प्रियांशी, हाँ दिखाओ, वाह क्या क्या बांटने जा रहे हो। अरे वाह, कुल्लू तैयार हैं। अरे दशहरा हमारा पूछ चुका है, पूजा हमारी संपन्न हो गई है और अब प्रियांशी जा रही हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। A few moments later. अब गाइस हम जा रहे हैं अपनी झांझी सिलाने के लिए नहर पे। तो अब चलते हैं झांझी को लेके, और जो भी हमारी अब नवरात्रियों की धूप थी उसको भी लेकर जा रहे हैं। तो गाइस अब हम चल दिए अपनी झांझी सिलाने। यहाँ पे तो जाल लगा दिए। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे नहर पे, क्योंकि झांझी मैया का जो विसर्जन करते हैं वो बहते हुए पानी में ही करते हैं। तो आगे चल के यहाँ पे तो जाल लग रहा है, आगे चल के विसर्जित करते हैं अपनी झांझी को। तो यहाँ पे सभी लोग आए हैं अपने अपने घर से झांझी लेके, सब लोग विसर्जन कर रहे हैं यहीं पे। यहीं पे है, ऊपर से ही करनी पड़ेगी। नहीं है जो भी हमारा घर पे धूप का सामान था ऐसे ही फेंक दो। धूप का सामान था हवन का, वो भी हम लेकर आए थे, तो हवन का सारा हमने यहीं पे विसर्जित कर दिया है। जय हो झांझी मैया। तो गाइस हमारी झांझी मैया विसर्जन हमने उनका कर दिया है, झांझी मैया का। अब चलते हैं जल्दी से यहाँ से। मैं तो पहली बार ही आई हूँ, अब की बार मैं कभी नहीं आई यहाँ पे, पहली बार आए हैं मैं झांझी मैया का विसर्जन कराने, नहीं तो यही अकेले आते थे हमेशा। तो गाइस हम मम्मी जी की गुंजिया पैक करा के और हमने खाए थे गोलगप्पे, अब आ चुके हैं हम घर पे। ओ तब से खुला ही हुआ है क्या। A few hours later. गाइस बुलंदशहर में नुमाइश ग्राउंड में रामलीला मंचन चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो वहीं पे हो रहा है रावण दहन। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे रावण दहन देखने के लिए, बच्चे भी जा रहे हैं हमारे साथ में और हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो गाइस आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा हमारे साथ में। तो चलते हैं। तो गाइस ये सभी लोग वहीं रावण देखने के लिए जा रहे हैं। जैसे नुमाइश लगती है तब भीड़ होती है, ऐसी भीड़ जा रही है। देखिए गाइज यहाँ पे रामलीला चल रही है और ये नुमाइश ग्राउंड में कितनी भीड़ इकट्ठा हो रखी है रामलीला देखने और रावण दहन देखने के लिए। बहुत भीड़ है गाइस, बहुत भीड़, पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ इकट्ठा हो रखी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है।
मेघनाथ चल गया भाई, मेघनाथ हाँ आप चलेगा कुंभकर्ण। आगे इधर कोने में एक और कुंभकर्ण है, बीच में रावण। आप चलने जा रहे हैं कुंभकर्ण। जय श्री राम, जय श्री राम। अब चलेंगे रावण में, अब रावण चलेगा। अरे वो रस्सी जल गई ना, रस्सी पे जो है वो जल गई ना, उसको खुल गई। लगाओ भाई जल्दी लगा दो, नहीं गिर जाएगा पहले ही। लग गई, लग गई, लग गई भाई, लग गई। जय श्री राम, ये है आर्यन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नुमाई से, तो आर्यन लेके आए हैं ये बलून और ये मार्क्स और ये गदा, और प्रियांशी लेकर आई हैं ये बाला बलून, ये गैस वाला बलून है जो कि ऊपर जाके लग गया है। कैसा लगा प्रियांशी आपको वहां पे जाके? अरे ना अरे ना, आप कौन बने हुए हो? हनुमान बजरंगबली ऐसे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं रामलीला देखकर और रावण दहन देखकर, तो बच्चों ने भी काफी एंजॉय किया, वहां से टॉयज भी लेकर आए हैं। तो आप लोग भी बताइएगा हमें कमेंट करके कि आपको हमारे बुलंदशहर की रामलीला कैसी लगी। तो गाइस मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।